आप सबका स्वागत है कोमल्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं दावेली। दावेली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है और मैंने ये 4 आलू को अच्छे से मैश करके रखा है। अब आप देखिएगा, इसमें हम 1 चम्मच शक्कर मिला देंगे आलू में सबसे पहले, और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि शक्कर का जो है पानी मीठा वाला इस आलू को बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर दे देगा। हमें इसे 5 मिनट तक ऐसे अच्छे से मिक्स करते रहना है धीरे धीरे, ताकि शक्कर जब हमारी कैरेमल जैसा बनना चालू हो जाएगी तो ये हमारे आलू का हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा। ये मेरे आलू का जो कलर है वो चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी शक्कर का जो है वो हल्का सा फ्लेवर आ चुका है। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें दावेली मसाला डालेंगे। मैंने एक वीडियो में दावेली मसाला बनाना सिखाया है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा दावेली मसाला मैंने डाला है, हल्की सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा हमारा ये चाट मसाला इस फ्लेवर को हल्का सा टेंगी फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा ये सेंधा नमक है और ये स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और इसका जो टेस्ट है इसे हल्का मीठा टच देती है अपनी दावेली, वैसा ही फाइनल टच देगा हमारा। देखिए इसमें आप चाहें तो हल्का सा ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, आप डालें तो डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला है। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही हमारा कलर आया है, आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। मैं पाव ब्रेड को 200 में काट के रखा है, इसके ऊपर हम हल्का हल्का बटर फ्लाई फैला देंगे, हल्का जो रूम टेम्परेचर पे बटर है आप भी रूम टेम्परेचर लीजिए ताकि अच्छे से वो फैल पाए। अब देखिए इसमें हमारी चटनी को उठा देंगे, एक एक साइड हम दोनों दावेली में एक एक साइड हरी चटनी लगा दे रहे हैं अच्छे से, और एक साइड हमें ये इमली की चटनी फैलाना है। ये इमली की चटनी खट्टी मीठी इमली चटनी है, मैंने एक वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ, ये आपको दोबारा देखना, मैं आपको इसको लिंक भेज सकती हूँ, आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कमेंट तो मैं आपको इसकी लिंक भेज देंगे। ये देखिए मैंने आलू मसाला रख दिया है, आप अच्छे से रखिएगा, 2 चम्मच कम से कम आएगा, अच्छा मसाला रहने पर ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए इसके ऊपर हमको थोड़ा सा प्याज रख देना है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये ओवर हो जाएगा। ये मैंने फ्राई मूंगफली है, मसाला मूंगफली मैंने इसे घर पे तैयार किया है। इसके ऊपर देखिए मैंने अनार रख दिए हैं दोनों तरफ, और मैं आज बना रही हूँ चीज़ दावेली, इसके लिए मैंने स्लाइस चीज़ लिया है और इसे ये ऐसा एक साइड स्लाइस चीज़ रख देना है दोनों साइड, और हमें इसे पैक कर देना है ऐसे करके। अब हम इसे तवे में मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, अब हम इस तवे पे पैक करना है। ये देखिए मैंने तवे पे हल्का सा बटर लगा दिया है और मैंने ये दावेली रख दिया है, और देखिए मैं इसे अच्छे से घुमाना है। ये देखिए मेरी दावेली अच्छे से पैक हो चुकी है, अब हम इसमें उतारेंगे और सेव इसके ऊपर चारों तरफ लगाना है हमें। देखिए ऐसे राउंड करते करते आपको सेव लगाना है ताकि हमारे चारों साइड सेव लग जाए, और आप देख सकते हैं कि हमारी दावेली बनके तैयार हो गई है। ये देखिए मेरी चीज दावेली बनके तैयार हो गई है, इसे आप अपने घर पे बनाइए और बताइए कैसी लगी। कोमल्स किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं।